आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर वन। आपके पास चैप्टर नंबर वन जो है वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है ना वो मैं आपको हिंट बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको ईच एंड एवरी चैप्टर के अब हिंट साथ साथ बताते जा रही हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो ना हो। वैसे तो आप कोशिश करेंगे तमाम कॉन्सेप्ट देखे ठीक है, उससे ये होगा कि आपके आपको आगे अगर आप स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें आपको काम आएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और आप वैसे भी देखना चाह रहे हो कि किन टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस करो, तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, और इनशाला 70-80% पेपर आपका इसमें से आता है। सबसे पहले स्टूडेंट, बिकॉज हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक कर रहे हैं, मैं आपको हर चैप्टर के ना 5-5 टॉपिक्स बता रही हूँ, जिसमें से आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनका थ्योरेटिकली उनके फार्मूला याद रखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, आपसे बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन स्टैटिस्टिक, क्योंकि आपका सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक है, तो यू मस्ट नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से आपको स्टैटिस्टिक्स का बताया हुआ है, साथ में आपको इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये फर्स्ट टॉपिक है जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स और उससे रिलेटेड जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में आपने तैयारी करनी है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह आप अपने फर्स्ट चैप्टर में जो सेकंड टॉपिक तैयार कर सकते हो वो आपके पास है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। वैसे तो आपके पास बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन ये मैं वो बता रही हूँ कि जो आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको अगेन एंड अगेन करके क्योंकि 5 ईयर्स पेपर मस्ट तैयार करें। 5 ईयर्स पेपर तैयार करने से क्या होता है, जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, नहीं तो आपको आइडिया हो चुका है कौन से क्वेश्चन और किस तरीके का पैटर्न जो है आपके पेपर में गिवन होता है, बिकॉज डिफरेंट बोर्ड है, डिफरेंट बोर्ड के डिफरेंट पैटर्न है, तो आपने देखने की कितनी चॉइसेस हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है, और कितने हमारे पास जो टॉपिक्स है इम्पोर्टेंट। समटाइम तो क्वेश्चन आपके पास रिपीट हो रहे होते हैं, और इससे आपको पता चल जाता है कि अगर दो चैप्टर में चॉइस है, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन किसी और चैप्टर में, तो आप उनमें से एक तैयार कर सकते हो, एक आप स्किप कर सकते हो। अच्छा, ये जो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड है ना, इसमें आपके पास क्या होता है, जब भी क्वेश्चन आता है पहला और दूसरा चैप्टर जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है ना और इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें से मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको चैप्टर फर्स्ट में ही, चैप्टर वन एंड टू बोथ आर इम्पोर्टेंट है, और चैप्टर टू के भी मैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी, एक ताकि आप अपने सारे टॉपिक्स तैयार करो, लेकिन ये जो मेन टॉपिक्स है इन पे आपने ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज आपका पेपर ज्यादा इन्हीं में से आना है। तो इन्फ्रेंशियल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने तैयार करना है। थर्ड टॉपिक आप कह सकते हो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, स्केल्स ऑफ 4 मेजरमेंट जो आपने पढ़े हैं ना, वो भी आपके पास इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको आने चाहिए, और विद एग्जाम्पल्स आने चाहिए। आपकी बुक में भी जो मैंने आपको करवाया है और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, अगर आप अपने चैप्टर में जाकर देखोगे ना जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाए हूँ, वहाँ जो स्केल ऑफ मेजर है वो मैंने विद एग्जाम्पल्स आपके साथ एक्सप्लेन किया हुआ, तो इस पर भी आपने फोकस करना है, बिकॉज ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्केल ऑफ मेजरमेंट। 4 आपके पास यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या है ये, और बड़े सिंपल है, इजी है, आपने इनको याद रखना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ डेटा के जो मेथड है ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें से भी आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा के जितने भी जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड्स हैं कलेक्ट करने के डेटा को, वो आपके पास हो गए, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक एंड करेक्टरिस्टिक, ये 3 मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बट मैं ओवरऑल आपको हर चैप्टर में से 5 जो है वो डिस्क्राइब कर रही हूँ टॉपिक्स, ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। अब क्योंकि अगर आप अपना बुक में चैप्टर नंबर फर्स्ट देखते हो ना, तो उसमें हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, करेक्टरिस्टिक है, डिस्क्रिप्टिव है, एंड डिस्क्रिप्टिव इंफ्रेंशियल स्टैटिस्टिक वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल से हमने डिस्क्राइब करें। देन पॉपुलेशन ऑन सैंपल है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल्स है, वेरिएबल है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स है, मेजरमेंट स्केल्स, मेजरमेंट स्केल्स आपके पास इंपॉर्टेंट है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट या मेजरमेंट स्केल, जिसमें नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल, रैंकिंग स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। अगर आप जो मैंने आपको चैप्टर करवाया ना, आप इनमें ये टॉपिक जाके देखोगे, मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको डिस्क्राइब किया, और आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगी। आपने ये देखना विद एग्जाम्पल,
फिर एरर ऑफ मेजरमेंट जिसमें गिवन है, जिसमें रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, आपने इनको याद रखना, बायस्ड एरर, अनबायस्ड एरर, ये तमाम टॉपिक मैंने पढ़ाई हुई हूँ। लेकिन अगर पेपर के लिहाज से देखूँ तो मुझे ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये 5 टॉपिक्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर के लिहाज से आपने तैयारी करनी है तो इन 5 टॉपिक्स में आपने तवज्जो देनी है। इसी तरह सिग्निफिकेंस डिजिट है, राउंडिंग ऑफ अ नंबर है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा आपके पास इंपॉर्टेंट है जो कि प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि हैव नॉट अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट से नहीं गुजरा वो प्राइमरी डेटा है, और हैव अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट बाय स्टैटिस्टिकल मेथड एट लीस्ट वन, जो कम से कम एक बार भी गुजरा है स्टैटिस्टिक का मेथड अप्लाई करते हुए, वो हमारे पास क्या हो जाता है सेकेंडरी डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में हमारे पास यही दो मेथड आ रहे होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। फिर प्राइमरी डेटा को आपने जो कलेक्ट करने के मेथड्स हैं वो इम्पोर्टेंट है इसके जरिए फुल। अगर आप उसको पूछेंगे 5 नंबर का पूछेंगे तो आपने उसमें मेथड तो करके डिस्क्राइब करने हैं ना, तो उसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल इंटरव्यूज, कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनियर्स है, कलेक्शन थ्रू इन्यूमरेटर्स है, कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेज है। इसी तरह सेकेंडरी में हमारे पास ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल, पब्लिकेशन, टेक्निकल, ट्रेड जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एडिटिंग ऑफ डेटा है, यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बट मैंने आपको कहा कि आपके फुल चैप्टर में से ये 5 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, मैंने आपको हर चैप्टर के अब एक तो साथ साथ एक्सरसाइज करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स और थ्योरी ईच एंड एवरीथिंग आपको डॉक्टर शाहिद कुमार और शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है उसमें आपको मैंने करवाया हुआ है। ये मैं उन्हीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता रही हूँ, और इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करवाना। एक्सरसाइज मैं आपको बोर्ड पे इस वजह से नहीं करवा रही स्टूडेंट, बिकॉज वो जरा लेंथी काम हो जाएगा, उसके लिए वीडियोस बहुत ज्यादा बनानी पड़ जाएंगी, तो उसके लिए मैं आपको जो मेरे पर पीडीएफ फॉर्म में नोट्स थे मैं उन्हीं से वीडियोस बना के आपके लिए लगा रही हूँ। अगर आपको उनको उनमें प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी हर चैप्टर के 5 टॉपिक जो कि पेपर के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके साथ में डिस्क्राइब कर रही हूँ। ये तो स्टूडेंट हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसके लिए ये था, जिसका नाम आपके पास है जी, मैं आपको बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक इंट्रोडक्शन है। उसमें ये 5 टॉपिक्स हैं जो कि आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपने इनकी तैयारी करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी, और आपको मैं अगेन बता रही हूँ कि पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड अलग ही क्वेश्चन आएगा, आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक है इन दोनों को यूज करते हुए एक क्वेश्चन भी वो बना सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में वीडियोस में आपको जो चैप्टर नंबर 2 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्क्राइब करूंगी। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और अगेन स्टूडेंट आपको कह रही हूं प्लीज 5 ईयर्स पेपर मस्त तैयार करें। आपको सम टाइम्स वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, और उसको सॉल्व करने का एक मैंने वैसे बहुत सारे पेपर सॉल्व भी करवाए हुए पार्ट 1 एंड 2 के, वो आप जाके देख सकते हो आपके पास कौन कौन से उसमें क्वेश्चन आए हैं, सॉल्व किस तरीके से क्यों, वो मैंने आपको बताए हुए हैं। आप इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्लेलिस्ट है ना वहां पे जाके देखोगे, आपको जी टेबल हो गया, एफ टेबल हो गया, टी टेबल हो गया, पीपीएससी से रिलेटेड, एफपीएससी से रिलेटेड जितने बोर्ड हैं, सरगोधा बोर्ड हो गए, पंजाब बोर्ड हो गए, भावलपुर यूनिवर्सिटी, जिक्रिया यूनिवर्सिटीज होगी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो पैटर्न हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके पेपर पैटर्न, वो ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब किया हुआ है। साथ में मैंने आपको 5 ईयर्स पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी के बताए हुए हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप इंशाल्लाह उससे अच्छी गाइडलाइंस ले सकोगे। अगर आपको कंफ्यूजन होती है आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करो, और अगर आपको जो नोट्स मैंने आपको शो करवाए हूँ और आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट्स में। इंशाल्लाह मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगी, आप वहां मुझे मैसेज सेंड करना, मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा ना आप इस